देश में आपके यात्री के साथ कुछ होता है? इंडियन कंसल्टेंट। अरे ऐसे सवाल कुछ नहीं। यात्रियों को यात्रा करते वक्त अपने बैगेज के लिए किस प्रकार की एहतियात बरतनी चाहिए? कि आप अपने बैग को आपसे अपने से अलग ना करें और अपने सामान की देखरेख स्वयं करें। ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित किन बातों को सुनिश्चित करना आवश्यक है? कि जहां आप जा रहे हैं वहां के ट्रैफिक नियम क्या हैं और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वैलिड। कुछ देशों में विदेशी यात्रियों को ड्राइविंग के लिए किस लाइसेंस की आवश्यकता होती है? इंटरनेशनल आईडी, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। विदेश यात्रा में यात्री को उपहार या पैकेज से संबंधित किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कि उसको वहाँ के किसी लोकल बंदे से सामान नहीं लेना है। विदेश यात्रा में यात्री के पास क्या चीज़ हमेशा होनी चाहिए? उसके अपने दस्तावेज और अपना ट्रैवल इंश्योरेंस। यदि यात्री चश्मा पहनता है तो विदेश यात्रा के समय उसे किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कि अगर वो चश्मा पहनता है तो वो अपने साथ एक्स्ट्रा पेयर रख ले। देश से बाहर जाते वक्त क्या यात्री को सभी कभी किसी से कुछ स्वीकार नहीं करना चाहिए? ना। स्थानीय रीति रिवाजों और पहनावों की जांच करना और उनके अनुसार व्यवहार करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो हो सकता है उसमें आपको जुर्माना पड़े या फिर आपको सजा भी हो सकता है। दवाई को किस प्रकार रखना चाहिए? दवाई को उसके अपने ओरिजिनल कंटेनर में रखना चाहिए। किसी बीमारी के लिए ले जाने वाली दवा के लिए मरीज के पास क्या होना जरूरी है? डॉक्टर का साइन नोट। किसी बीमारी के लिए ले जाने वाली दवा के बारे में डॉक्टर का साइन नोट में क्या क्या जानकारी होना आवश्यक है? साइन नोट में क्या क्या जानकारी? साइन नोट में उसको किस तरह से यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है और कब यूज़ करना है उस दवाई की डिटेल लिखी होनी चाहिए नाम के साथ। डॉक्टर के पर्चे के बिना विदेश यात्रा में अपने साथ दवाई रखने से क्या हो सकता है? कई जगहों पे मतलब एक दूसरे देशों की दवाई लीगल मानी जाती है। मोबाइल ले जाने के बारे में आपको क्या बात पता होनी चाहिए? मोबाइल ले जाने के बारे में आपको क्या कि आपको मोबाइल अपना संभाल के रखना है और आप अपने मोबाइल में किन नंबरों को स्टोर करना आवश्यक है? इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब जिसमें आपका कॉप्स जिसमें मतलब पुलिस वाले या फिर इमरजेंसी में आप जिनको कॉल करें, एम्बेसी का नंबर। ट्रैवल चेक से संबंधित किस बात का ध्यान रखना कि आप उस ट्रैवल चेक के नंबर का नोट लेके रखें। पैसे से संबंधित कानूनों की जानकारी होना क्यों आवश्यक है? कि आप कितना पैसा ले जा सकते हैं, कितना ला सकते हैं और उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। पैसे से संबंधित किन विनिमय सुविधाओं का ही उपयोग करना चाहिए? जो ऑफिशियल सेवा। पैसे से संबंधित आधिकारिक विनिमय सुविधाओं को क्या ही उपयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर आप उनके अलावा और अननोन सोर्सेज से करते हो तो वो इलीगल माना जाता है। विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट के संबंध में क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए? कि आपका पासपोर्ट की एक तो वैलिड हो और दूसरा आप मतलब उसको संभाल कर। विदेश यात्रा में पासपोर्ट की वैधता कितनी होनी चाहिए? 6 महीने। विदेश यात्रा करते समय कौन से दस्तावेज की फोटोकॉपी होनी जरूरी है? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चाहिए, वीज़ा और पासपोर्ट का फोटो। पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटोकॉपी यात्रा के समय कहाँ रखनी चाहिए? अपने ओरिजिनल कागजों से। विदेश यात्रा करते समय यात्री को किन वस्तुओं का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए? एक तो कैमरा, दूरबीन या फोन कुछ भी। विदेश यात्रा में तस्वीर, वीडियो या दूरबीन का उपयोग करते समय क्यों ध्यान रखना आवश्यक है? क्योंकि जैसे जो हाई सिक्योरिटी एरियाज होते हैं वहाँ पे उसको ट्रेसपासिंग के लिए बोला जा सकता है, इलीगल माना जा सकता है। गर्भवती महिलाओं को यात्रा से पहले किससे परामर्श करना चाहिए? डॉक्टर से। एक सामान्य गर्भावस्था में कब यात्रा करना ठीक है? शुरू के 3 महीने, इनिशियल स्टेटस। खुले तौर पर किन सामानों को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए? अपने वैल्यूएबल्स, फोन, कैमरा एक्सेट्रा। मोबाइल फोन या डिजिटल कैमरे को रखने के लिए किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए? अपना बैग, सूटकेस। यदि आपने घर पर अपना कीमती सामान लूट नहीं छोड़ा है
तो उन्हें कहाँ आपको सुरक्षित रखना चाहिए? अपने होटल के कमरे में। वीजा से संबंधित आपको किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? वीजा कि आपने सही तरह का वीज़ा लिया है, मतलब जिस पर्पस के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो, कई तरह के वीज़ा होते हैं, उसके अलावा उसकी वैलिडिटी। विदेश यात्रा में पानी से संबंधित किस बात की जांच करना आवश्यक है? कि आपको किस तरह का पानी पीना है, आप नल का पानी पी सकते हो, अगर वो सेफ है, या फिर आपको पैक्ड वाटर लेना है।